हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल तो आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का साइंस का चैप्टर आर एनवायरनमेंट तो सबसे पहले हमारा जो नेचर है वो दो कंपोनेंट से मिलके के बनाए अबायोटिक एंड बायोटिक यानी लिविंग और नॉन लिविंग बायोटिक वो जो लिविंग हो जैसे प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन एक्सेट्रा और अबायोटिक वो जो नॉन लिविंग हो जैसे वाटर एंड सॉइल आप देखते हैं वेस्ट वेस्ट क्या होता है वेस्ट यानी यूजलेस मटेरियल और वो कुछ भी हो सकता है सॉलिड लिक्विड गैस अब वेस्ट में वेस्ट के भी टू टाइप्स होते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो ऐसा वेस्ट होता है जो आराम से ब्रेक डाउन हो जाए बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो ऐसा वेस्ट है जो ब्रेक डाउन नहीं होता बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस एग्जांपल है प्लास्टिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पोल्यूशन क्रिएट करता है जिससे हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी ख़राब होते हैं अब जो रिसोर्सेज हैं वो क्लीन बिल्कुल भी नहीं है जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जैसे अस्थमा अब नेक्स्ट आता है हमारा इकोसिस्टम। सिस्टम बायोस्फीयर सिस्टम बायोस्फेयर की एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फूड चेन बनाए रखते हैं एको सिस्टम के मेनली दो टाइप्स होते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल यानी फॉरेस्ट और आर्टिफिशियल जो मैन मेड हो जो कि पार्क रोड एक्सेट्रा इकोसिस्टम को डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है पहला है प्रोड्यूसर्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं उसके बाद दूसरे हैं हमारे कंज्यूमर्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स पे उनके न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं और कुछ वो भी होते हैं हर्बीवोरस ओमनी बोरस एंड कार्डिवोरस अब ये तो हमें छो ये तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा ही है कि ये तीनों क्या होते हैं हर भी बोरस वो होता है जो ग्रीन फूड जो ग्रीन फूड खाते हैं उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं एग्ज़ाम्पल है एलिफेंट का काओ गोट्स है ना और कार्नी वो होता है जो दूसरे एनिमल पर डिपेंड रह के सिर्फ उनको खाते हैं एग्ज़ाम्पल है लायन टाइगर एक्सेट्रा अब आते हैं ओमनीवोरस जो कि फ़ूड के लिए एनिमल और प्लांट दोनों पे डिपेंड होते हैं फॉक्स एंड ह्यूमंस एग्जांपल है इसके अब एट द लास्ट आते हैं हमारे डीकम्पोजर्स ऐसे एनिमल्स जो डेड एंड डिकेनिंग पे फूड के लिए डिपेंड करते हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब बात करते हैं फूड चेन की फूड चेन कुछ ऐसी होती है जैसे मान लो ग्रास ऑपर है ग्रास ऑपर ने ग्रास खाई बर्ड ने ग्रास ऑपर को खाया बर्ड को स्नैक ने खाया स्नैक को आउल ने खाया और आउल डेड हो गया यानी मर गया तो उसके बाद उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खाया और फिर वो खाद में कन्वर्ट होके वापस से एक प्लांट बन गया ठीक है तो फूड चेन फूड चेन जो होती है वो पिरामिड बना के दिखाई जाती है हमारी ठीक है अब देखते हैं फूड वेब क्या होती है फूड वेब है इससे एक इंटरकनेक्टेड फूड चेन कहा जाता है इसमें हर ऑर्गेनिज़्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है अब देखते हैं एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है फ़ूड चेन में जो एनर्जी हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफ़र होती है वो सिर्फ टेन परसेंट होती है जो पिछली लेवल पे थी मतलब एक लेवल पे जाते ही वो हंड्रेड से रह जाती है अब देखते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन ये जब होता है जब क्लोरो यानी सी एफ रिलीज होती है जो कि ए सी और फ्रिज से निकलती है जिसके कारण स्किन कैंसर जैसी बीमारियाँ भी होती हैं तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है अगर वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो आर चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग